गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वसति गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला और प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री ओम सिद्धांति गोस्वामी महाराज की चरण कमल अनंत गति साष्टांग वंदन प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलोक नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कथकली हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री सन्यासी ठाकुर जी जब गोद्र में बैठी करके भजन कर रहे थे तो उन्होंने अप्राकृत दीप जो मायापुर महापुर का धाम को उन्होंने दर्शन किया और क्या देखा उन्होंने, स्वयं शंकर जी हैं, स्वयं शंकर जी हरि बोल श्री सच्चिदानंद गौर हरि बोल करके वो भी नृत्य कर रहे थे, पछाड़ खा रहे थे। पितामह ब्रह्मा जी नारद जी सनक सनातन आदि सबाई बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, सबके सब महाप्रभु का नाम बोले रहे थे। और उन्होंने क्या देखा, सबके गले में तुलसी कंठी देखा और सबको देखा, सबके सब तिलक लगाए हुए और शरीर में महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु का नाम लिखा हुआ और जो चादर सबके सब पहने हुए थे जिसमें भी श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम सबके सब चादर में लिखा हुआ है। इसका मतलब है हम सबके सब अपना शरीर को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को द्वारा ही उनका नाम को द्वारा ही शरीर को ढक करके रखे। इसलिए हमारे श्री भक्तिनाथ ठाकुर एक कीर्तन लिखते हैं, भले मन कहना गौर कथा गौरे नाम आमिया रधा पीरते मोरते दाता। हे मन कहना गौर कथा, इसलिए कहते हैं मन अगर बोलना है ना, क्या बोलना, केवल गौर का नाम ही बोलो हैं। इसलिए कहते गौर है नाम अमियार धाम, महाप्रभु का जो नाम है, कैसे कहते अमृत का धाम स्वर्ग श्री महाप्रभु का नाम है और प्रीति मूर्ति दाता महाप्रभु, कैसे कहते प्रीति और प्रीति का प्रेम का अगर कोई मूर्तिमान स्वरूप है श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि। इसलिए बोले सैनि गौर स्वपनि गौर गौर जीवने तारा, कहते हैं सोते समय भी अगर किसका नाम लेंगे चैतन्य महाप्रभु का नाम, स्वप्न में अगर कभी देखे महाप्रभु का नाम, इसलिए उठते बैठते हर समय
महाप्रभु को छोड़ करके जैसे और किसी चीज़ में मन ही नहीं जाए। इसलिए अपना नयनर तारा मतलब क्या है, जैसे आँख का एक पुतला होता है ना, आँख का पुतला मैं ही नहीं, इसलिए माना आँख का जो पुतला रूप में हम किसको बैठा देंगे, श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि को ही बैठा करके रखेंगे। इसलिए जैसे हमारा जीवन पूरा श्रीमद् महाप्रभु का प्रेम प्रेम रंग में हमारी संपूर्ण जीवन रंग जाए हैं। इसलिए उन्होंने जब देखा सबके गले में तुलसी की कंठी, सबके सब तिलक लगा करके रखे, तब उनको पता चला अगर हमें भी महाप्रभु का भक्त बनना तो क्या करना पड़ेगा, हमें भी अपना तिलक, हम भी अपना गले की कंठी है। कभी जो तिलक है ना, ये तिलक हमारी पहचान है, गले में जो तुलसी कंठी है हमारी यही पहचान है हैं। इसलिए तिलक ऐसे की चीज़ है, जब हम ये तिलक को देख लेते हैं ना, हमें ये पता चल जाता है इनका इष्ट कौन है, ये किसको भजन करते हैं हैं, किसके लक्ष्मी नारायण किसको उपासक, किसको सीताराम उपासक, किसको राधे श्याम उपासक, किसके उपासक श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु किसको उपासक है। कभी ये तिलक देखने से हम सबको सब कुछ पता चल जाता है ये कौन सा संप्रदाय में करते हैं, क्या इनका आराध्य देव कौन है, केवल ये तिलक देखने पर ही हमें ये सब कुछ पता चल जाता है। ये तिलक नहीं, ये क्या स्टाम्प है, इसे स्टाम्प लगा देते हैं ना, ये तिलक हमारी स्टाम्प है, हमारी आराध्य देव कौन है, श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि, हम श्री महाप्रभु को परंपरा में, श्री चैतन्य महाप्रभु को परंपरा में ही हम लोग आए हैं। इसलिए राधा जी की अनुगत्य में श्री कृष्ण को उपासना करने वाले, इसलिए मंजरी भाव से राधा रानी की पाल्यदस्य भाव से हम श्री महाकृष्ण को हम भक्ति करने वाले। इसलिए उन्होंने हैं कहते हम कितने सौभाग्यशाली, देखो गुरु जी की कृपा से ही क्षण भर के लिए श्री नवद्वीपिका धाम का दर्शन हमें प्राप्त हुआ, आज मेरे जीवन धन्य हो गया है हैं, जीवन धन्य हो गया। बोले दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, बोले दूसरे दिन सन्यासी महाराज अपना एक दंड जल में विसर्जन कर गले में त्रिकंठी तुलसी की माला और ललाट पर उद्धपुंड धारण करके हरी हरी कहते हुए नृत्य करने लगे। जब उन्होंने अपराकृत मायापुर में सारे भक्तों का ऐसे दृश्य देखा, बोले हमें भी ऐसे करना चाहिए, जैसे आप लोग इधर आते हो, इधर मंदिर में आते हो, फिर आप देखते हैं, देखो बाबा लोग कैसे तिलक कैसे गले में कंठी भगवान की माला जब करते हैं, इसको देख देख करके आप भी ऐसे तिलक धारण करते हो, गले में तुलसी कंठी पहनते हो। इसलिए उन्होंने देख करके दूसरे दिन, उनका था एक दंड सन्यासी और हम लोगों का जो सन्यासी वो त्रिदंड सन्यासी, उनका एक दंड, उनका एक दंड किस लिए, बोले वो कहते एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, निश्चित रूप से सभी ब्रह्म हैं, एकमेव अद्वितीय एक ही ब्रह्म, उसको छोड़ा और कुछ है ही नहीं। लेकिन हम लोग का त्रिदंड, तीन दंड को धारण करते हैं, बोले क्यों, बोले तीन दंड किया है, बोले कैसे श्री हमारे देखो ठाकुर जी राधा कृष्ण महाप्रभु कितने कितने हुए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वो भी तीन है, और संबंध अविधेय प्रयोजन वो भी तीन है, सेब सेबक कहते हैं क्या, सेबस सेबस सेबक सेबक भी तीन है। इसलिए सब इसी गले में भी हम लोग तीन तीन कंठी धारण करते हैं हैं, इसलिए कहते सब हम लोगों का सभी तीन है, तीन 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 है। इसलिए कहते इसमें हम लोग त्रिदंड संन्यास मतलब काय मन और वाक्य ये तीन हैं, काय मतलब शरीर मन और वाक्य को दंड करते हुए इसको क्या करना, भगवान की सेवा में उसको लगाना है। इसलिए ये हम लोग ये त्रिदंड धारण करते हैं, उसमें एक ऐसे रहता है वो जीव दंड है, उसको जीव दंड कहते हैं। इसलिए उन्होंने जो एक दंड धारण किया था मतलब है बस एक ब्रह्म को छोड़कर और कुछ है नहीं, लास्ट में अपना सत्ता को वो ब्रह्म ज्योति में ही हम लीन करते हैं, उनका ये भावना है, इनका ये, इसलिए उनको बताया त्रिपुटिक विनाशक है, भक्ति भक्त भगवान ये तीनों को ही खत्म करके एक ही रख देते हैं कि ब्रह्म है एक ब्रह्म है। इसलिए दूसरे दिन उन्होंने देखा जो बेकार है
ये मायावादी फिलोसफी, शंकराचार्य का फिलोसफी, इन्होंने उसको क्या किया, पानी में बहा दिया। पानी में बहा करके उन्होंने क्या किया, गले में तुलसी की माला धारण कर लिया और लडाल पर उन्होंने उद्धव कुंड धारण कर लिया। उन्होंने भगवान हरि हरि करते हुए, उन्होंने सचिनंदन गौर हरि करते हुए उन्होंने नाचने लग गए। बोले गोद्रुम वासी, जितने गोद्रुम वास में वैष्णव लोग थे, उनका अपूर्व नया बेस को देख करके और उनका हृदय में जो भगवान के प्रति जो भाव है, ये भावना को देख करके बोले धन्य भाई, तुम्हारे जीवन धन्य हो गया है। तुम्हारी अंदर में क्या अपूर्व महापुरुष का प्रति प्रेम प्रकट हुआ, इसलिए सबके सब उन्होंने क्या किया, उनके सबके सब प्रणाम किया, उनका सबके सब उन्हें प्रणाम किया। बोले क्यों प्रणाम किया, बोले एक तो गले में तुलसी कंठी और तिलक है और उन्होंने भगवान का नाम को लेकर प्रेम में गदगद हो रहे हैं, इसलिए उनको वैष्णव मान करके उनको सबके सब प्रणाम करते हैं। इसलिए देखना हम लोग लास्ट में जो जय देते हैं ना, कहते वंशा कल्प करुर्वस कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, हम बोल कर सब वैष्णव का प्रणाम करते हैं, किसकी चरण में हमारी अपराध नहीं हो जाए। बोले सन्यासी महाराज ने इस समय कुछ लज्जित होकर के कहा, आज मैंने वैष्णव का कृपा पात्र बनने के लिए यह वैष्णव वेश धारण किया, किंतु यह एक और बाधा खड़ी हो गई। बोले मैंने गुरुदेव के मुंह में बारंबार ऐसे सुना, ये कह रहे हैं मैंने क्यों ये वैष्णव वेश को धारण किया है, कहते ये वैष्णव वेश हम देखा महापुरुष का सारे भक्त लोग कंठी माला तिलक लगाए हुए, इसलिए मैंने ये वेश को तो मैंने धारण किया है, लेकिन और एक है और एक बाधा क्या खड़ी हो गई, मेरे को देख करके जितने वैष्णव लोग है सबके सब उन्होंने मेरे को प्रणाम कर रहे हैं ये, लेकिन मैंने सुना है, क्या सुना है, कहते श्री गुरुदेव के मुख से बोले त्रिनादपि सुनि चेना तरो रपि सही सुनना अमानी नान देना कीर्तनीय सदा, हमने गुरु जी से सुना है, क्या सुना है, अर्थात बोले तीन अपेक्षा भी अपने आप को सुनीच समझनी चाहिए। जैसे घास है, अगर घास को ऊपर प्यार रख लो क्या होगा, घास अपने आप सर को नीचा कर देता है, लेकिन जब प्यार उठा ना फिर अपना सर को कर कर देता है। कहते उसी से भी हमें दीनहीन होकर के रहना पड़ेगा है। बोले किसको पास में दीनहीन होकर, सबको पास में नहीं, वैष्णव के पास में, जब वैष्णव का बीच में रहेंगे तब उनको पास में हम एकदम दीनहीन रह करके रहेंगे, और पेड़ से भी ज़्यादा सहिष्णु हैं। जैसे पेड़ में हैं जा रहे हो, देखा एक आम उठाया, पत्थर मारा पेड़ को, लेकिन मारा तो उस चीज को, लेकिन उसने क्या दिया, आपके के फल दे दिया हैं। इसलिए हर समय उसकी भावना परोपकार, वृक्ष हर समय परोपकार करता है, उसका पत्ता देखो, उसकी लकड़ी देखो हैं, हमारे सबके सब काट करके सब सब घर घर में हम लगाते हैं उसको, इसलिए हर समय उसकी भावना परोपकार है, मार खा करके भी वो फल देता है। इसलिए कहते हमने वैष्णव से ये सब बात सुन, लेकिन ये सब जगह में नहीं, एक विषय है, एक विषय को जैसे हनुमान जी, इतने बड़े वैष्णव हनुमान जी, उनको तो दीनहीन होनी चाहिए ना, लेकिन पूरा लंका में आग लगा दी उन्होंने, क्या किया, पूरा लंका में आग लगा दिया। बोले क्यों, बोले माता सीता को तुमने उठा कर ले आए, बदमाश हाँ, भगवान की विरोधी करते हो तुम, इसका मतलब क्या है, कहते सब जगह पर त्रिनादप नहीं, अगर कोई हमारे गुरु वैष्णव को निंदा कर रहे हैं, अपना संप्रदाय को कोई निंदा कर रहे हैं, कहते वहाँ पर क्या त्रिनादप दिखाओगे, बोले एकदम नहीं, ये तो अपराध है। अगर हमारी संप्रदाय के बारे में कोई उल्टा पुल्टा बोलता है, हमारे महाप्रभु के बारे में, अपना गुरु जी के बारे में, अपना वैष्णव के बारे में अगर कोई उल्टा पुल्टा बोलता है, अगर तुमने वहाँ पर सुन लिया तो क्या होगा, सारे अपराध तुमको लगेंगे, ये कभी नहीं सुननी चाहिए हैं। कहते अगर कहीं सुन लिया तो शास्त्र कहता है उसका जीवा को काट दो, उसका जीवा को काट दो, मतलब क्या है, कहते दो तरह से जीवा कटा, सचमुच से उसका जीवा को निकाल कर काट दो, नहीं तो ऐसे युक्ति तर्क दो जैसे उसका मुंह जैसे बंद कर दो हैं,
अगर नहीं हो पाया तो क्या करो, अपना अंगुल में काल कान में अंगुल डाल करके भाग जाओ, नहीं तो क्या करो सब वस्त्र को साथ में गंगा में जा करके स्नान करके आओ, नहीं तो तुम्हारी प्रायश्चित नहीं, तुमको प्रायश्चित नहीं मिलेगा। कभी भी अपना गुरुजी, अपना संप्रदाय, वैष्णव का निंदा नहीं सुननी चाहिए, इससे बड़ा अपराध दुनिया में कुछ नहीं। फिर क्या होगा, हमारी संप्रदाय अपना वैष्णव का पर तुम्हारे जो भाव है ना, धीरे 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 नीचे उतरना शुरू कर देगा, नीचे उतरना शुरू कर देगा धीरे धीरे, करते 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 देखोगे भक्ति भक्ति हृदय सूख गया है, हृदय में कोई रस नहीं आएगा, भगवान की भजन करने की इच्छा नहीं जगेगी, भक्ति करने की इच्छा नहीं करेगा, सारे प्रभु का नाम प्रति रुचि नहीं रहेगा, हरि नाम का प्रति रुचि नहीं रहेगा, सेवा सब चीज में रुचि तुम्हारी खत्म हो जाएगी। क्यों? तुमने गुरु वैष्णव और संप्रदाय का तुमने निंदा तुमने सुनी, इसलिए कभी भी इस सब चीज़ को नहीं सुननी चाहिए। इसलिए कहते त्रिनाद अभी सुननी चाहिए न तर अभी सही सुनना, मतलब अमानी नाम, हर समय अमानी बन करके रहो, मतलब हमें मान इज्जत का कोई जरूरत नहीं, लेकिन खुद अमानी मान बनो, लेकिन सबको यथाजुग सम्मान दो। इसलिए बोले जीवर सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, कहे सभी का हृदय में चूंकि भगवान बैठे हुए इसी भाव से सबको सम्मान दो। इसलिए बाबा सन्यासी ठाकुर जी कहते हैं मैंने ये बात, हमने अपना गुरु जी से ये बात सुनी है, हैं, लेकिन देखो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, सबके सब मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। बोले जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ अब वे ही वैष्णव जन मुझको प्रणाम कर रहे हैं। बोले जिसको मैं गुरु मानता था देखो ये वैष्णव लोग मेरे को प्रणाम करते हैं। बोले प्रणाम किसको करते हैं, तुमको कर रहे हैं, अभी तक तो तुमको नहीं कर रहे, अभी तक क्या तुमको कोई प्रणाम कर रहे थे, पर आज तुमको कोई प्रणाम कर रहे हैं। कारण है तुमने जो वेश धारण किए रखा है, जो गले में कंठी तिलक, इसलिए गुरुदेव बोल रहे थे जब गुरुदेव अमेरिका गए, जब अमेरिका में उनको गुरुदेव को माला पहना रहे थे, आरती कर रहे थे, गुरुदेव का चरण धो रहे थे वहाँ पर, तब गुरुदेव बोल रहे थे, मैंने कहा देखो कहाँ मैं अगर घर गृहस्थ में पढ़ा रहता, अगर मैं संसार में पढ़ा रहता, हमें कोई दुनिया में कोई पूछते, हमें कोई कोई नहीं पूछते दुनिया में, लेकिन आज मेरे को ये तिलक किसने दिया है, ये कंठी हमें किसने दिया है, माला किसने दिया, गुरुदेव ने दिया है। लेकिन देखो हम गुरु जी की शरण में आने का नाते अभी पृथ्वी के लोग गुरु जी के चरण में पृथ्वी का लोग झूमते, सारे पृथ्वी का लोग गुरु जी के चरण में झूम गए। बोले क्यों, गुरुदेव बोल रहे थे जब मेरे को चरण धो रहे थे, आरती कर रहे थे, मैं गुरु जी को प्रार्थना करता, बोले गुरु जी इसका योग्य हम तो है ही नहीं, इसका योग्य तो आप ही हो, चूँकि आप मेरे को ये सन्यासी बेसुबा ये कंठी तिलक दिया, इसलिए मेरे को क्या दुनिया प्रणाम कर रही, इसलिए इसका इसका योग्य मैं नहीं, इसका योग्य आप ही हो। इसलिए गुरु जी कह रहे थे मैंने सब कुछ चीज़ को लेकर गुरु जी को दे रहा, अगर ये अभिमान आ जाए देखो अरे हम कितना बड़ा बहादुर दिखाया, देखो अरे मेरे अंदर में ये गुण है ना, इसलिए दुनिया तो मेरे को पूजा कर रहे हैं, हैं वैसे थोड़ी दुनिया पूजा करते हैं, हमारे अंदर में ये आ गया, देखो आज मैं कितना बड़ा हो गया। इसलिए बामन गोस्वामी महाराज कहते थे कि छिन्नो और की होनु, मतलब मैंने क्या था आज मैं क्या बन गया। इसलिए कहते जितने बड़े होने पर भी हमारे अंदर में त्रिनादपि सुनिजी भाव, हमारे हृदय में हर समय ये दीनता रहनी चाहिए, जैसे पेड़ में फल आने पर पेड़ अपने आप झूम जाती हैं, वो खड़ा नहीं होता है झूम जाती हैं, इसलिए जिसको अंदर में जितने गुण आएगा वो अपने आप को उतना दीनहीन मानेगा, हैं सबको यथाजुग सम्मान करेगा। इसलिए कभी ऐसा हमारे हृदय में नहीं आनी चाहिए, हैं प्रतिष्ठा आने पर सब कुछ हजम करते हुए क्या करना, हमें दीनहीन होकर के गुरु वैष्णव की हमें सेवा करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं देखो हैं कहते मन में कहते इस प्रकार मन ही मन सोचते सोचते परमहंस बाबा जी के पास में गए और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर नतमस्तक हो करके खड़े हो गए। जब उन्होंने देखा सब वैष्णव लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री परमहंस बाबा जी महाराज कहते अपना श्री
गुरु जी के पास में गया और उन्हें दंडवत करके उनके चरण में नतमस्तक हो करके उनके सामने खड़े हुए। बोले बाबा जी माधवी मंडप में बैठ कर हरिनाम कर रहे थे। कहते उनको गुरु जी कहाँ पर बैठ कर भजन कर रहे थे? एक माधवी मंडप। माधवी मंडप मतलब है, आप लोगों ने देखे माधवी लता देखे हो कभी? कौन कौन देखे हो माधवी लता? उसका फूल है ना रात में इतने खुशबूदार, दिन में कोई सुगंध नहीं आएगी और रात होते इतने सुंदर उसका खुशबू आएगी। वह उसका खुशबू से चार तरफ आमद प्रमोद हो जाएगा। बड़े सुंदर फूल आता है लता, बड़ी सुंदर माधवी लता उसको कहते हैं माधवी लता। मालती फूल देखे होंगे, देखे कि नहीं? मालती फूल बड़ी जो होता है ना बहुत सुगंध उसमें भी होता है मालती में। हाँ भगवान कितने सुंदर सुंदर फूल बनाए। कहते उनको जो कुंज पहले अभी जैसे हमारे लोग का आश्रम ऐसे है, पहले लोग तो कहाँ रहते थे? थोड़ा घर गृहस्थ से थोड़ा दूर रहते थे, दूर रह करके कुटिया बना करके वहाँ पर बैठ करके हरिनाम करते थे, भजन करते थे। कहते बाबा जी, कहते उनका जो गुरुदेव कहाँ पर बैठे थे? बोले माधवी कहते मंडप में, जहाँ पर सुंदर माधवी की लता से चारों तरफ एकदम तो सुंदर घिरा हुआ है घिरा हुआ, वहाँ पर वो बैठ करके हरिनाम कर रहे थे। तो उन्होंने सन्यासी महाराज का संपूर्ण वेश परिवर्तन और नाम के प्रति भाव दे करके प्रेमाश्रुओं से उनको नहलाते हुए गले लगा दिया और कहा वैष्णवदास आज तुम्हारी मंगलमय शरीर का स्पर्श करके मैं कृतार्थ हो गया। जब ये सन्यासी ठाकुर गए पूरा इनका ड्रेस ही बदला हुआ था वैष्णव देश, तिलक कंठी माला और हरिनाम हैं हाथ में माला लेकर के हर समय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये हरिनाम को कर रहे थे। इसको देख करके उनको बड़े सुंदर उनको हृदय में उनको शिष्य को देख कर बड़े सुंदर प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया उनको गोद में भर लिया और अपना आँखों का आंसुओं से उनको एकदम स्नान कर दिया। बोले क्यों स्नान कर दिया? कारण क्या? कारण है गुरुदेव चाहते हैं क्या हमसे? गुरुदेव यही चाहते हैं हम निष्कपट होकर के भगवान की भजन करें और हमारे नाम का प्रति रुचि हो, गुरु वैष्णव की सेवा करें। गुरुदेव हमसे यही चीज़ चाहते हैं, हम निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करें। गुरुदेव केवल एक चीज़, इसलिए ध्रुव महाराज जो वैकुंठ विजय कर रहे थे, नारद जी वीणा बजा बजा करके नाच नाच कर कीर्तन कर रहे थे, क्यों? आज एक जीव को मैंने वैकुंठ विजय करा दिया, मेरे सही मंत्र लेकर कहाँ जा रहे हैं? भगवान का धाम को जा रहे हैं। इसलिए नारद जी उछल उछल करके वीणा बजा बजा करके नृत्य नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, हैं? इसलिए आज इनके हृदय में नाम का प्रति रुचि, इनके हृदय में दिव्य भाव को देकर गुरु जी अपना प्रेमाश्रु को द्वारा उनको स्नान करा दिया। गला लगा कर कहा वैष्णव दास, उनका नाम उन्होंने दे दिया। आज से तुम्हारा नाम को क्या नाम है? वैष्णव दास। मतलब कि आज से हम क्या करेंगे? वैष्णव का सेवा करेंगे, वैष्णव का सेवा करेंगे। इसलिए उनका नाम वैष्णव दास दे दिया। आज तुम्हारे मंगलमय शरीर का स्पर्श करके मैं कृतार्थ हो गया। गुरु जी कह रहे तुम्हारी जो शरीर है, हैं जो शरीर कौन से शरीर हो गया? देखो जब हम ललाट पर तिलक लगा लेते हैं द्वादश अंग में, एक जगह पर नहीं, कितना अंग में तिलक लगानी चाहिए? 12 अंग में तिलक लगानी चाहिए, एक तिलक नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि ये जो तिलक है गोपीराज के, गोपियों की चरण धूलि ब्रजरज है, इसलिए संपूर्ण ब्रजरज को गोपियों के चरण धूलि को संपूर्ण शरीर में लगानी चाहिए, ब्रजरज को 12 अंग में, और ये भगवान के 12 प्रणाम है। इसलिए जब शरीर में उन्होंने वैष्णव तिलक धारण लगाए, गले में कंठी, उनका जो शरीर नहीं, इसलिए तिलक क्या इसको बताया? हरि मंदिर है, ये हरि की तिलक जो लगाए, ये भगवान की ये मंदिर है, ठाकुर जी का ये मंदिर है। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका शरीर को स्पर्श करते हुए कहते आज मेरे जीवन धन्य हो गया कि वैष्णव का शरीर को स्मरण था। देखो ये तिलक गले में कंठी लगाने का इतना महत्व है। जब कोई व्यक्ति
उसी गांव का बच्चा, वहीं का साधारण साधारण घर का, लेकिन हम देखते हैं जब गुरु जी की शरण में आ जाते हैं ना, जब गले में तिलक कंठी लगा लेते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति भी उसी गांव के साधारण एक व्यक्ति जब तिलक कंठी, बड़े बड़े व्यक्ति उसका चरण में आकर चरण में झुक जाते हैं, उनके चरण में झुक करके उनके चरण में प्रणाम करते हैं। क्यों? केवल उनने कंठी माला और तिलक लगा लिया, इसकी इतने महिमा, इसकी इतने महिमा। बड़े बड़े व्यक्ति आकर के बाबा दंडवत, बाबा प्रणाम, बाबा सबके सब प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। किसको करते हैं? कंठी माला तिलक की इतने महत्व है। इसलिए ऐसे कहने के साथ साथ ही साथ साथ सन्यासी महाराज का पूर्व नाम दूर हो गया, अब ये वैष्णव दास के नाम से परिचित हो। तो गुरु जी ने उनका नाम कर दिया है, ऐसे नाम करके क्या हो गया, गुरु जी ने क्या नाम दिया उनको? वैष्णव दास। इसलिए नियम यह है, जब गुरु जी हमें कोई भगवत नाम दे देते हैं, अभी जो पूर्व नाम को अभी हमको नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। क्या बोलनी चाहिए? चिराग नहीं बोलनी चाहिए। क्या बोलनी? चैतन्य चंद्र दास। हम किसके दास हैं? श्री चैतन्य चंद्र, चैतन्य महाप्रभु चंद्र की हम दास हैं। इसलिए पूर्व नाम, ये जो नाम है ना, ये ब्रह्म संबंधी नाम है। ब्रह्म संबंधी मतलब आज से गुरुदेव हमें भगवान को साथ में जोड़ दिया है, ठाकुर को साथ में जोड़ दिया, इसलिए पूर्व नाम को नहीं बोलनी चाहिए। उसका इतना कोई महत्व नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए क्या नाम? श्री राधारमण दास, श्यामानंद दास, माधव दास हैं, ये सब भक्ति का नाम। तुम्हारा नाम क्या? राधा दासी। आपका नाम? राधा दासी। हाँ सब। तुम्हारा नाम? हाँ क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो। विमलेश। इसलिए विमला, विमला वैष्णवी है। और तुम्हारे नाम? अनुराधा दासी। सब राधा ही राधा है आगे। इसलिए हमको हैं, इसलिए अगर बाहर कहीं जाए, अगर हमें कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, पहला का नाम हमें नहीं बोलनी चाहिए। गुरुदेव ने हमें जो नाम दिया है, कहते वह नाम को हमें बोलनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म संबंधी नाम है। आज से हम ठाकुर के साथ में हमने जुड़ गए हैं, उसको जुड़ गए, इसलिए पूर्व नाम से हमें नहीं बोलने चाहिए। इसलिए एक समय जब हम मथुरा में थे, कोई एक नया आया मंदिर में, उसका पहले का नाम था, लेकिन गुरुदेव ने उसका भक्ति का नाम दिया। भक्ति का नाम दिया, लेकिन कुछ दिन ब्रह्मचारी जब नया नया आया, उसी नाम से बोलते थे। एक दिन प्रसाद पा रहे थे हम लोग, गुरु जी आमने सामने थे, किसने मथुरा में उसका पहला नाम को लेकर बोल दिया, ए गुरुदेव इतने बिगड़ गए, ले मैंने तुमको क्या कौन सा नाम दिया है? पहले का नाम नहीं बोलनी चाहिए, इसलिए मैंने तुमको कौन सा नाम दिया, तुमको वो नाम से पुकारा करो, क्योंकि वो ब्रह्म संबंधी नाम है, ये भगवत संबंधी नाम, ठीक है ना। इसलिए अगर कोई हमें पूर्व नाम से बुलाए, उनको खुद बोल देना चाहिए, बोले नहीं इसी नाम से मेरे को बुलाया मत करो, मेरा जो गुरुदेव ने जो नाम दिया है हमें, उसी नाम से हमें बुलाया करो। हमको खुद खुद बोलनी चाहिए, उनको नहीं, बोले गुरुदेव ने हमें ये नाम नहीं दिया है, गुरुदेव ने हमें ये नाम दिया। इसलिए उनको, उनका पूर्व नाम उनको दूर हो गया, इसलिए इनका नाम वैष्णव दास नाम से उनको परिचित हो गया है। सन्यासी को आज से एक अपूर्व जीवन प्राप्त हुआ, सन्यास ठाकुर का दिव्य जीवन आज इनको प्राप्त मिला है। मायावादी सन्यासी का बेस, सन्यासी आश्रम का अहंकार पूर्ण नाम और अपने को महत समझने का अभिमान, सब कुछ दूर हो गया। पहले उनको अभिमान था ना, क्या अभिमान था? अरे हम इतने सारे ग्रंथों को पढ़े, पातंजलि न्याय वैशेषिक सब मैंने पढ़ा, हंस परमहंस कुटीचक बहुधक, मैंने सारे आश्रमों को पार करके परमहंस अवस्था को मैंने प्राप्त किया था। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि तुम वही हो, सब मैं ही ब्रह्म हूँ। आज उन्होंने सारे जितने अभिमान था, सारे अभिमान को उन्होंने दूर कर दिया और एक ही अभिमान लिया है, हम सारे संतों का संतों का संतों का हम दास ही है, हम वैष्णव दास है।
यदि इसी नाम से उनको अभिमान दूर होकर इसी भाव से उनको परिचय हो गए हैं। बोले तीसरे पहर प्रद्युम्न कुंज में गोद्रुम और मध्य जीव के अनेक वैष्णव परमहंस बाबा जी का दर्शन करने आए थे। वे परमहंस बाबा जी को चार और से बैठ करके घर घेर बैठे थे। सभी तुलसी की माला से हरिनाम का जप कर रहे थे। कोई कोई हाँ गौरव नित्यानंद, कोई कोई हाँ सीतानाथ, कोई कोई जय श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। कहते ऐसे बोलते हुए आंसुओं को हाँ आंसुओं से तर हो रहे थे। यहाँ पर दिखा रहे थे जो जो वैष्णव लोग का जो मंडली है, हैं साधारण लोग जैसे जहाँ पर साधारण लोग बैठे हुए होंगे वो लोग क्या बात करेंगे, दुनियादारी की बात करेंगे। तेरे बेटा क्या कर रहा था, तेरे बहू के साथ में क्या हो रही है, तेरे बेटी कैसे है, सारा दुनिया की इधर उधर बात करेंगे। लेकिन जब हम वैष्णव समाज में आते हैं, वैष्णव समाज में हमारी व्यवहार वैष्णव लोगों का व्यवहार कैसे होता है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी व्यवहार को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं वैष्णव व्यवहार में, कि तीसरे पहर श्री प्रद्युम्न कुंज में गोद्रुम हैं और मध्य दीप का अनेक वैष्णव परमहंस बाबा जी का दर्शन करने आए थे। इसलिए कहते कुछ परमहंस जो बाबा जी उस समय में श्रेष्ठ साधु थे, श्रेष्ठ साधु थे। इसलिए हम जाते हैं ना साधुओं को दर्शन करने के लिए, इसलिए श्रेष्ठ साधु होने का नाते कहते प्रद्युम्न कुंज में गोद्रुम और मध्य दीप का अनेक वैष्णव उनको दर्शन करने के लिए आए थे। कहते पारम मास के चारे और से सबके सब घेर करके बैठ ही गए। बैठ करके वो कर रहे थे क्या, सबके सब वैष्णव उनका वैष्णव का चिन्ह किया है, वैष्णव का क्रिया किया है, हैं हम सुन रहे थे ना, तीन तरह का वैष्णव मध्यम उत्तम और कनिष्ठ है। जो कनिष्ठ वैष्णव वो बीच बीच में नाम करता है, लेकिन जो मध्यम वैष्णव है हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर समय उनका मुँह से प्रभु का नाम निकलता है। इसलिए महाप्रभु कहते देखो एक चीज़ को हमें गांठ बांध कर रखनी चाहिए। बोले नाम बिना जन भाई काल नहीं जाते। हरि नाम को छोड़ करके जैसे हमारे समय कभी इधर उधर जैसे कभी नहीं बीते, एक चीज़ को हमें गांठ बांध कर रखें, दुनिया छूट जाए माला नहीं छूटे, हर समय एक सेकंड भी हम नष्ट नहीं करके हर समय हम भगवान की सेवा, नहीं तो भगवान की कथा, नहीं तो भगवान की नाम हर समय जप करेंगे। आज एकादशी है, कोशिश करना कम से कम 1,00,000 हरि नाम करनी चाहिए। कितना नाम करनी चाहिए, दूसरे दूसरे दिन हम जितने हरि नाम करते हैं, देखो नियम है, नियम तो रोज़ रोज़ 1,00,000 हरि नाम करनी चाहिए। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे लेकिन दूसरे दूसरे दिन हम जितने हरि नाम करते हैं आज कोशिश करनी चाहिए। आज एकादशी, एकादशी मतलब क्या, ये 11 इंद्रियों को दंडित करके आज भगवान की सेवा में, इसलिए उपवास। उपवास मतलब क्या, बोले उप समीप जो वासो जीवात्मा परमात्मा नो उपवास सब विज्ञान उपवास लंघनम। कितना हमने आज उपवास किया, उपवास मतलब होता है साधारण लोग का भावना क्या, जब भोजन नहीं खाए खाना नहीं खाएंगे। रूप गोस्वामी कहते नहीं, हाँ ये एक तरह का उपवास है। बोले भोजन क्यों नहीं करते उस समय, बोले दिन भर रोसी बनाते बनाते समय तो उससे चले जाएगा, इसलिए बल्कि उसमें जो था समय बचेगा उस समय को आज हरिनाम करेंगे, उस समय को आज हम हरिनाम में लगाएंगे। इसलिए यह कहते उप समीप जो वास है, उपवास मतलब उप मतलब निकट में, वास मतलब वास करना। बोले कौन किसी को, बोले जीवात्मा परमात्मा नो, जब ये जीवात्मा परमात्मा को निकट में वास करेगा कैसे वास करेगा, हैं कैसे वास करेगा उनका कीर्तन से, उनकी कथा से, उनकी सेवा से जब करेंगे क्या होगा, ठाकुर के पास में ही हम रहे उस दिन, हैं इसलिए अम्बरीश महाराज क्या करते थे, एकादश इंद्रियों को ठाकुर की सेवा में ही लगा देते थे। इसलिए आज कोशिश करनी चाहिए कम से कम माला हम आज 1,00,000 हरिनाम करेंगे, उससे नीचे नहीं करेंगे, उसके नीचे नहीं उतरेंगे। कितना करेंगे माला, कितना, हाँ इसलिए साधारण जो काम में जो हम लगे रहते हैं
थोड़ी सी उसका कम कर देंगे, हैं, कम करते हुए ज़्यादा समय को हम भगवान की नाम में लगाएंगे। इसलिए एकदम पूरा के पूरा कोशिश करना, आज एक माला करोगे तो 100 माला करने का फल मिलता है। और आज जो तिथि है ना, द्वादशी लगा हुआ तिथि है, ये महाद्वादशी है। अगर एकादशी द्वादश में जुड़ जाए ना, इसका विशेष महत्व है, विशेष विशेष महत्व। इसलिए अम्बरीश महाराज महाद्वादशी व्रत को पालन कर रहे थे, जहाँ पर श्री दुर्वासा जी आए हैं। इसलिए क्या कर रहे थे, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जितने वैष्णव लोग वहाँ पर थे, चार आवर से बैठे हुए थे, सभी को हाथ में तुलसी की माला में सबके सब हरिनाम कर रहे थे। कोई कोई श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम को कोई ग्रहण कर रहे थे, कोई कह रहे थे से निताई निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, फिर कोई कोई क्या कर रहे थे, बोले सीतानाथ। सीतानाथ कौन है बोलो, कहते कोई सीतानाथ का नाम ले रहे थे, हैं सीतानाथ, हाँ तक उत्तर दिया उसने, सीतापति। हम कहते हैं सीतापति, सीतापति कौन है, सीता श्री अद्वैत आचार्य जी का पत्नी का नाम थी सीता देवी, हैं सीता देवी, इसलिए उनका जो नाथ है श्री अद्वैत आचार्य। कोई कोई व्यक्ति सीतानाथ का नाम ले रहे थे, और कोई कोई श्री सचिनंदन गौर हरि का नाम ले रहे थे, इत्यादि कहते हुए आँखों से आंसुओं की झरी बह रहा था। और सभी परस्पर में इष्ट गोष्ठी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। इष्ट गोष्ठी मतलब क्या है, हैं, इसलिए जिस समय साधारण विषय लोग बैठे उनका विषय की चर्चा होता है, लेकिन जहाँ वैष्णव जन लोग बैठे उस समय में हरि की चर्चा होती है। इसलिए मतकथा मतगता चिंता बोधयंते परस्परम कथयंती च माम नित्यम तुसंती च रमंती च, कद वैष्णव का जीवन क्या है, बोले वैष्णव का जीवन हरि कथा ही इनका जीवन है, कथा मात्र ही का जीवनम। इष्ट गोष्ठी आपस में हरि का कथा, हरि का नाम, हरि की दिव्य गुणान बात। इसलिए जहाँ संत लोग बैठे, ईंट पत्थर हैं, ईंट पत्थर की बात नहीं, हीरे जवाहरात की बात होती हैं, ईंट पत्थर की बात नहीं होती, हीरे जवाहरातों की बात, मतलब हरि चर्चा होती है, हरि की कथा होती है। इसलिए सबके सब क्या कर रहे थे, आपस में इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। इष्ट मतलब अपना जो इष्ट कौन है, महाप्रभु। गोष्ठी मतलब जिनकी, वही महाप्रभु की गोष्ठी, जहाँ पर महाप्रभु की चर्चा है। वैष्णव जन तुलसी की परिक्रमा कर वैष्णव को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। यहाँ पर सब वैष्णव का व्यवहार दिखा रहे हैं, जैसे कोई आए, जैसे हर घर घर में पहले तुलसी चौराहा होता था, सब घर में तुलसी की पौधा होता था, सबके सब आकर के उसको परिक्रमा करते थे और तुलसी को प्रणाम कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे। इसी समय वैष्णव दास श्री वृंदा देवी की परिक्रमा करके वैष्णव की पद रजों में लौटने लगे। उनका नाम क्या, वैष्णव दास दिया। देखो देखो कैसे, वहीं पर वैष्णव लोग भ्रमण कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, वहाँ पर किया है, सब वैष्णव का चरण थोड़ी पड़ा हुआ, लेकिन वैष्णव दास ने क्या किया, देखा यहाँ पर तो डायरेक्ट जाओ किसका चरण धुल लो, कोई सहज में नहीं देता है, हैं, लेकिन यहाँ पर तो वैष्णव लोग सब परिक्रमा कर रहे हैं, सब वैष्णव का चरण धुल पड़ा हुआ, उन्होंने क्या किया, बस वहीं पर लौट पर उठाने, सब वैष्णव के चरण में लौट पर उठाने लग गए। इसलिए हमने देखा है, मेरे जो गुरुदेव थे सहज में चरण में माताओं को हाथ लगाने नहीं देते थे, स्त्रियों को, कोई स्त्री के लिए मना थी गुरुदेव का चरण में हाथ लगाना, एकदम गुरुदेव ने प्रस्ट्रिक मना था, किसी स्त्री की को हाथ को अपना चरण में नहीं छुलाते थे। फिर वो लोग क्या करेंगे, मैंने देखा जब गुरुदेव चले जाते थे, गुरुदेव चले जाते जहाँ पर उन्होंने चरण रख करके गए, वहीं पर उन्होंने पैर हाथ को ऐसे लेकर के अपना सर पर, अपना वक्रस्थल पर लगाया करते थे, हैं। अगर गुरुदेव आए कहीं चरण धो लिए, चरण धो कर गए, चरण पानी तो वहाँ पर, वो क्या करते थे, जब गुरुदेव चले जाते वहाँ का पानी को लेते थे, चरणामृत को लिया करते थे, हैं। कहते इन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने पदरज के जो वैष्णव लोग वहाँ पर वृंदा देवी को जो परिक्रमा किए थे, वहाँ से धूल पड़ा हुआ था, उन्हें उसी धूल में उन्होंने लौटपोट लगने लगे। कोई कोई महात्मा आपस में तनाफुसी करने लग गए,
बोले यही न वे सन्यासी महाराज है आज, इनकी कैसे अद्भुत मूर्ति है, हैं सब वैष्णव लोग उनको पहले सन्यासी देखा हैं, उनको एक दंडी सन्यास में देखा उनको, लेकिन आज उनको पूरा बेस बदल कर ये देखा हैं, वो जो एक दंडी सन्यासी है यहाँ पर सिंदूर का गोंद लगाते हैं, गला में रुद्रा की क्या माला पहनते हैं, हैं लेकिन आज उनको देखा ये सब चला गया, वैष्णव तिलक लगाए, गले में तुलसी की कंठी, हाथ में तुलसी की माला दे करके, बोले यही ना किया वही ये परमहंस श्री सन्यासी ठाकुर, देखो आज उनका पूरा पूरा वेष बदला हुआ है, आज ये वैष्णव वेश में ही ये क्या कर रहे हैं, अद्भुत रूप में दर्शन पा रहे हैं। इसलिए वैष्णव के सामने पृथ्वी पर लौटते हुए वैष्णव दास कह रहे थे, आज मैं वैष्णव की चरण जपा कर किताब हो गया तथा आज जीवन मेरे धन्य हो गया, क्यों आज इतने सारे वैष्णव लोग यहाँ पर आए और इनका चरण धूलि से मैंने लौट को उठा करके मेरे जीवन तो कृतकृत हो गया, क्यों कारण किया, कहते हैं गुरुदेव की कृपा से मैंने अच्छी तरह से जान लिया है कि वैष्णव पद रज के बिना जीव की और कोई गति नहीं। मैंने वैष्णव सुना है, क्या सुना, इसलिए नर्तमदास ठाकुर क्या कहते हैं, अगर जल्दी से जल्दी कोई कृष्ण प्रेम को पाना चाहते हैं, ये तीन चीज सबसे जल्दी से जल्दी कृष्ण प्रेम देता है, क्या तीन चीज है बोलो, बोलो जोर से, हाँ बोलो तीन चीज क्या है, प्रसाद, इसलिए कहते भक्त पद जल, मतलब वैष्णव का चरण जल, भक्तों का चरण धूली, और तीसरे उनको कथामृत व उनकी अधरामृत प्रसाद, कहते वो तीन चीज जितने भक्ति जल्दी देने वाले हैं, हैं जल्दी देने वाले उतना जल्दी और कोई नहीं दे सकते, इसलिए एक उदाहरण दिया, जैसे को टीबी रोगी जो होता है ना, उसका झूठा खा होते तुमको भी टीबी रोगी हो जाएगी, इसलिए टीबी रोग का पहले क्या करते थे, उसका जहाँ थूकता जो उसमें सारे जीवाणु होता था, कहते उसी तरह जब टीबी रोगी का अगर कोई भी आप कोई उचिष्ट खाओगे आप भी टीबी रोगी बन जाओगे, कहते उसी तरह जब वैष्णव जो सचमुच से जो 24 घंटा में 24 घंटा हरि नाम हरि कीर्तन हरि भजन में जो लगे रहते हैं वैष्णव है, जब उनके अधरामृत को हम पाएंगे प्रसाद को पाएंगे, जैसे टीबी रोग का जो थूक में क्या होता है उसमें भी टीबी रोग का जीवाणु होता है, उसको खाने से टीबी रोग हो जाता है, जब वैष्णव लोगों का जो प्रसाद है उसमें भी क्या है, उनकी जो कण कण में जो कृष्ण भक्ति जो समाया हुआ, भगवत भक्ति जो समाया हुआ, उनका प्रसाद में चरणामृत में चरण धूलि में वो भी पूरा के पूरा समाया हुआ होता है, जब वह चीज़ को हम ग्रहण करते हैं क्या होता है, उनका भाव भी हमारा हृदय में उनकी भाव भी हमारे हृदय में संक्रामित हो जाते हैं, इसलिए कहते वैष्णव का चरण धूल पा करके मेरे जीवन धन्य हो गया, गुरुदेव की कृपा से मैंने अच्छी तरह से जान लिया कि वैष्णव पदरज के बिना जीव का कोई गति नहीं, वैष्णव पदरज वैष्णव का पददोग और वैष्णव की अधर अधर सुधा, ये तीनों वस्तुएँ भवरोग की औसत और भवरोग के लिए पथ्य है, जो तीन चीज बताए हैं क्या है, भवरोग मतलब ये जन्म मृत्यु दुख कष्ट से कोई निकलना चाहते वो सबसे बढ़िया ये दवा है, आज हमने जीवन को धन्य कर लिया, इसको पा करके हम जीवन को हमने धन्य कर लिया, अभी वो क्या कहते हैं आगे फिर हमको हम आगे कल इसको श्रवण करेंगे, ठीक है।